एक्सप्रेस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव। शरद पवार ने कहा, केवल पुलवामा जैसे हमले ही महाराष्ट्र में भाजपा के लिए हवा बदल सकते हैं। नौसेना को मिली स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी आधुनिक पनडुब्बी। अयोध्या मामले में सोमवार से एक घंटा अतिरिक्त सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव। चुनाव आयोग आज दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। ईसी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ईसी दौरान चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी। शरद पवार ने कहा, केवल पुलवामा जैसे हमले ही महाराष्ट्र में भाजपा के लिए हवा बदल सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी है और पुलवामा जैसी घटना ही चुनाव के पहले स्थिति को बदल सकती है। नौसेना को मिली स्कॉर्पिन क्लास की दूसरी आधुनिक पनडुब्बी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने बृहस्पतिवार को भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पिन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खंदेरी की आपूर्ति की। खंदेरी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में बताया। अयोध्या मामले में सोमवार से एक घंटा अतिरिक्त सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के समय में अगले हफ्ते यानी सोमवार से अतिरिक्त एक घंटे की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर की समय सीमा तय की थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।